मैं पराग साहब आपके पास आ रहा हूं। पराग साहब, एक चीज जरा मैं एक आंकड़ा अपने दर्शकों को भी बता दूं। गुजरात में कुल 27 सीट हैं शेड्यूल ट्राइब की, जिसमें कांग्रेस के पास 15 हैं। जो मैं बात कर रहा हूं 2017 के इलेक्शन के रिजल्ट की, उसके बाद कुछ लोग टूट गए थे, हो गए थे, मैं उसका नहीं, मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूं। 15 कांग्रेस ने जीती थी 2017 में, 9 बीजेपी ने जीती थी और बीटीपी ने 2 और 1 अदर्स, मतलब अदर्स 3 थे। पराग साहब आपसे जो पहला प्रश्न है, और पराग साहब आप समर्थक हैं, और मैं आपसे पहला प्रश्न यह है कि आपको क्या लग रहा है कि आप बेसिकली अर्बन पढ़े लिखे लोगों की पार्टी मानी जाती है, आप जो लोग पढ़े हैं, तार्किक हैं, इश्यूज पे बात करते हैं, लेकिन ट्राइबल तक आपकी रीच हुई है कि नहीं हुई है अभी गुजरात में खास करके? सर, ये आम आदमी पार्टी इस ये इलेक्शन के दौरान पिछले 5 महीने से मेहनत कर रही है। अकेली आम आदमी ही पार्टी है जो 4 महीने से हर घर जाके पत्रिकाएं बांट रही है। हम हर वर्ग के लोगों के बीच जा रहे हैं, हम सोशल इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ रहे। हमारे जो मुद्दे हैं, वो जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, उसमें ओबीसी भी हो सकते हैं, एससी भी हो सकते हैं और एसटी भी हो सकते हैं। तो हम लोगों को नात जात और धर्म के बेस पर बांटे बगैर हमारा एक ही एम है कि जो शिक्षण के लिए जो पिछड़ गया है वर्ग, शिक्षण महंगा हो गया, जो लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, जो लोग अपने बच्चों को लोगों को स्वास्थ्य नहीं दे पा रहे हैं, जो लोग वो बेरोजगारी के शिकार है, ये लोग जो है, ये वर्ग जो है, उसको आगे लाया जाए। और उसको आगे लाने के लिए जो हमारे मुद्दे हैं वो सभी को लागू पड़ते हैं। अगर आप आज का हमारा जो विषय है कि भाई एसटी शेड्यूल ट्राइब जो है वो 27 सीट रिजर्व है गुजरात में, 182 में से 9 पिछली बार कांग्रेस के पास थी और उसके 2012 में आई थिंक दोनों की बराबरी की कुछ सीट थी, लेकिन कांग्रेस ने फिर बाजी मार ली लास्ट टाइम पे, और उसमें से खेड ब्रह्मा के जो विधायक है अश्विन कोटवाल, वो अभी चले गए बीजेपी में, और भी एक दो बीजेपी में चले गए। तो बीजेपी में कांग्रेस के जो इलेक्टेड जो धारासभ्य है, विधायक है, वो जाने का जो सिलसिला है उसका बहुत गहरा असर पड़ा है लोगों के मन पे, और लोगों के दिमाग में एक आइडिया ये होता है, खर्चा ये होता है कि अगर हमने भी इस बार वोट दिए, चूट के इनको चुन के लाते हैं कांग्रेस वाले को, लेकिन वो भरोसा फिर कायम रहता नहीं है। क्या मालूम है कल उठ के 25-50-30 करोड़ के लालच में वापिस वो बीजेपी में चले जाएंगे। ऑलरेडी जो 27 सीट जो है एसटी की जो सीटें हैं, उनमें से 11 कैंडिडेट पर हमने, हमारे आम आदमी पार्टी के जो संभावित उम्मीदवार है लड़ने वाले, उनकी लिस्ट हमने जारी कर दी है सर। और ये उम्मीदवार पिछले 4 महीने से घर घर जाके डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और शाम को जन संवाद कर रहे हैं। जन संवाद में ऐसा होता है कि वहाँ हमारा मॉडल जो दिल्ली मॉडल है, केजरीवाल जी का अपना जो इतिहास है, उनका एजुकेशन, उनका बैकग्राउंड वो दिखाते हैं, हम कौन से मुद्दे लेके आए हैं और ये मुद्दे कैसे फुलफिल हो गए। 300 यूनिट बिजली, तो हम ये 300 यूनिट बिजली आपको कहाँ से देंगे? हम अच्छा स्वास्थ्य, हर घर मोहल्ला क्लिनिक, तो वो कैसे देंगे? ये पैसा कहाँ से आएगा? ये सारी बात लोगों को बताते हैं। आज उसका असर ये पड़ा है कि जो ट्राइबल एरिया की भी जो सीट है, पहले बीटीपी वालों ने हमारे साथ गठबंधन किया, फिर उनको जचा नहीं क्योंकि हमारा जो प्रचार का तरीका है वो उनसे मेल नहीं खाया। उनको ऐसा लगा कि भाई ये लोग तो पूरा का पूरा उनका जो एक दो सीट जो है उन पे भी कब्जा जमा लेंगे, तो ये उनको जचा नहीं, वापिस कांग्रेस के पास चले गए। लेकिन मेरा ये मानना है इस बार कि ये परिवर्तन लोगों के मन में एक ही मंशा है कि कुछ भी करके इस बार परिवर्तन लाना है। 27 साल से एक ही पार्टियां राज करती है, काफी भ्रष्टाचार हो गया है, और अभी आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नमूना जो मोरबी में जो ब्रिज टूट गया, वो ऐसा कई भ्रष्टाचार है।
जिस दिन यहाँ गवर्नमेंट चेंज होती है, गुजरात जो है वो बीजेपी का मदरशिप है। चाहे आप कुछ भी कह लो कि दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, दिल्ली का रास्ता गुजरात से जाता है, क्योंकि गुजरात उनको पैसा देता है, जो भी फंडिंग होती है गुजरात के जरिए होती है। दो नंबर के पैसे, चाहे वो नोटबंदी के टाइम पे हो, वो ये नोटबंदी ही इसीलिए की गई थी कि उनके जो दो नंबर के पैसे है उसको एक नंबर किया जाए और उसको इलेक्शनों में खर्च किया जाए। ये सारे मद्देनजर। अच्छा, और सबसे बड़ी बात जो केजरीवाल ने ट्राइबल एरिया में आज तक 3 या 4 सभा की है, और वो सारी जनसभा में आपने देखा होगा कि भीड़ 17,000-75,000 जितनी भीड़ इकट्ठी होती थी। और एक बात हमने बहुत स्पष्ट कर दी है कि जड़ जमीन और जंगल जो आदिवासियों का बंधारणीय अधिकार है वो उनको मिलेगा। वो आज तक कांग्रेस ने ना कांग्रेस ने पूरी तरह से उसका पालन किया है, ना भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कहना तो मुझे बहुत था, दर्शन भाई अपना मुद्दा छोड़ के इतना सारा भाषण देके चले गए, अभी पता नहीं। अब नहीं, है दर्शन जी, हैं प्रबल जी ने जो बात कही, उनको ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से आगे बढ़ती है नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, हम जो मुद्दे लेके आते हैं वो जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो सोशली वीक लोग हैं, उनके मुद्दे लेके आ रहे हैं। और उन्होंने जो बात कही प्रो कांग्रेस की बात की, अगर आम आदमी आगे बढ़ेगी तो लोकशाही के लोकतंत्र के लिए खतरा बन जाएगी। प्रबल जी मैं आपको बता दूं, मैं भी पहले कांग्रेस पार्टी में था, 4th महीने में ही मैं आया हूं कांग्रेस में से आम आदमी पार्टी में। मैं वहां 5 साल प्रवक्ता रहा हूं कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी गुजरात में क्या है, राहुल गांधी से लेकर इतने सबसे बड़े सब बड़े नेताओं को मैं जानता हूं, वो मुझे भी जानते हैं। इन्होंने सिर्फ एक ही काम किया है गुजरात में 27 साल में, कि वो उन्होंने सिर्फ भागीदारी की है बीजेपी के साथ। वो चाहते 2017 में भी, मैं भी प्रभारी था किसी विधानसभा का कांग्रेस का, वो चाहते पिछली बार ही हम आ जाते, लेकिन हमारे कुछ कांग्रेस के नेताओं ने आखिरी टाइम पे बीजेपी से मिलके बाजी पूरी पलट दी। ऐसी पार्टी पे आज कौन विश्वास करेगा। एक बात आपको बता दूं प्रबल जी, आज की तारीख में बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, उनमें से जो भी कार्यकर्ता, जो थिंक टैंक है, जो रणनीति बनाते हैं, दे आर ऑल ओरिजिन ऑफ कांग्रेस। वो आपको पता है क्यों कांग्रेस खत्म हो रही है? कांग्रेस को जितना ही नहीं है, कांग्रेस जितना ही नहीं चाहती है, इसलिए वो खत्म हो रही है। आप बैठे बैठे वहां ये बोल रहे, अच्छा आम आदमी पार्टी, हम हमारे पर आज कितनी तबाही हो रही है, यहाँ कितने केसेस हो रहे हैं, हमें प्रचार करने से रोका जा रहा है, हमारे पोस्टर्स फाड़ दिए जाते हैं, FIR पड़ रही है हमारे पास, कितना दमन हो रहा है, फिर भी हम लड़ रहे हैं। हमारे हमारे पास सैन्य बहुत कम है, लेकिन जितना भी सैन्य है सब कफन बांध के निकले हुए है। अभी वो कोस्टी साहब तो चले गए, बड़ी बड़ी वो उन्होंने भी कुछ बातें की, उन्होंने जो बात की कि ये ठाकुर है, मुस्लिम है, आदिवासी है, दलित है, ये सब खाम थियरी की बात है सर। ऑलरेडी खाम थियरी जब कांग्रेस पार्टी भरत भाई सोलंकी के जो पिताजी थे माधव सिंह सोलंकी, वो पहले ही इस्तेमाल कर चुके थे, और उन्हीं का नतीजा है आज कि पाटीदार लोगों ने बीजेपी को स्ट्रांग बनाया। जो पाटीदार कभी भूतकाल में कांग्रेस के साथ है, आज हमेशा के लिए बीजेपी के साथ हो गए, कांग्रेस के खिलाफ हो गए। तो हम लोग जो है, हम लोग ये सोशल इंजीनियरिंग वाले मामले में पढ़ना नहीं चाहते। हम लोगों के पास जो मुद्दे है वो पिछड़े हुए वर्गों के लिए, वो मध्यम वर्गों के लिए, लोअर वर्गों के लिए, एजुकेशन के मुद्दे, हेल्थ के मुद्दे, बिजली के मुद्दे, सोशल वीकर जो तबका है उसको ऊपर लाने के लिए, उसका सर्वांगीण विकास करने के मुद्दे, और कोई मुद्दे हमारे पास नहीं है। दर्शन जी, आपने कहा कि अभी तक आम आदमी पार्टी सही जा रही थी, आज भी आम आदमी पार्टी सही जा रही है, आज भी हमारी जहाँ भी सभा होती है वहाँ लोग जुड़ रहे हैं, हम आज भी वही मुद्दे लेके जा रहे हैं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य के सारे मुद्दे लेके जा रहे हैं। एक बात कही थी केजरीवाल जी ने, एक सुझाव दिया था कि भाई ठीक है, पराग जी कोई अगर जवाब इनका देना, उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया था, अगर इंडोनेशिया में गणेश जी की मूर्ति छपती है करेंसी नोट पे, तो वो तो पूरी मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए पराग जी, ये परसेप्शन की बात है, मैं अपनी बात सार्वजनिक मंच पे कह रहा हूँ और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। इस देश में अगर आप महात्मा गांधी की फोटो की जगह भगत सिंह और अंबेडकर की फोटो लगाते हैं, तो
तो मैं सार्वजनिक रूप से पत्रकार होने के नाते कह रहा हूं, मुझे आपकी नियत में शक रहता है। और क्योंकि अगर आप किसी की नहीं लगाते, अगर आप अपने को ये मानते हैं कि मैं किसी को नहीं मानता हूं, लेकिन हिंदुस्तान और भारत जब तक रहेगा, मैं जब कहीं बाहर जाता हूं तो मेरी इज्जत केवल गांधी की वजह से होती है, मुझे कोई किसी और की वजह से इज्जत नहीं होती है। आप किस देश के हो? गांधी के देश के हो। और नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं पराग जी, ये मैं नॉर्मली मैं साइड नहीं लेता हूं, लेकिन ये भी जो दोहरी बात होती है ना, आप ये जो दोहरी बात करते हैं, गांधी की फोटो नहीं लगाएंगे, फिर गांधी के यहां जाके हम वो करेंगे, ये सबको समझ में आता है। ये वही वाली चीज है कि देश के गद्दारों को मैंने नहीं कहा था दूसरी लाइन, मैं गांधी की फोटो नहीं लगाऊंगा, मैंने हटाई थोड़ी, मैंने तो भगत सिंह और अंबेडकर की फोटो लगाई। ये सब लोग समझते हैं, जैसे देसाई साहब कह रहे हैं कि वहां का मुसलमान समझ रहा है कि आप क्यों नहीं नाम ले रहे हैं, उसी तरह से हम भी समझ रहे हैं कि आपके लिए गांधी की क्या समस्या है। तो इसीलिए तो प्रबल जी कह रहे हैं, अगर आप इस देश में गांधी का नाम लेने से शर्माते हो तो ऐसा माना जाता है कि आप किसी दूसरी पंक्ति में जाके खड़े हो। मैं इसको ये नहीं कह रहा हूं, आपको कहीं ना कहीं माना जाएगा कि आप दूसरी पंक्ति में हो, तो आपको गांधी को तो सामने रखना ही पड़ेगा। अब वो आज रखते हैं कि कल रखते हैं, वो मुझे देखने वाली बात है। उनके ऑफिस में वो भगत सिंह और अंबेडकर रहते हैं, उनके ऑफिस में गांधी जी को हटा दी। मेरा कहना यह है कि अगर आपको और एक और चीज मैं याद दिला दूं, वो उन्होंने जब दूसरी बार कहा तब उन्होंने कहा गांधी की फोटो लाए, जब ओरिजिनल उनका वो आया था, जब ओरिजिनल जो स्टेटमेंट था उसमें था कि ये फोटो लगेगी, जब लोगों ने ये किया तब उन्होंने उसके क्लैरिफाई। और अच्छी बात है, गांधी को इस देश में अगर कोई हटाने की बात कर रहा है तो मेरे लिए वो हट जाएगा, वो लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता है। गांधी का ये देश है भाई, गांधी के बिना ये देश चलेगा नहीं। और जो मैं पराग जी इसलिए नहीं कह रहा हूं, हम सब लोग एक ही उसके हैं, हम सब लोगों को लगता है कि बीजेपी जिस रास्ते पे चल रही है वो देश के लिए ठीक नहीं है, लेकिन वो रास्ता गांधी का है। मैं बिल्कुल फर्मली बार बार कह रहा हूं जी। मैं आनंद जी वही कहना चाहता हूं कि अगर आम आदमी पार्टी ने सुझाव दिया कि गांधी जी की फोटो वही रहेगी, आप करण सिंह की नोट में गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो लगाइए, इसमें अगर मुस्लिम नाराज हो जाएगा और कोई वर्ग नाराज हो जाएगा, ये मानने का ये सब बेतुक की बात है सर। मुस्लिम कंट्री में अगर गणेश जी की फोटो लगती है, 90% मुस्लिम है वहां, तो उनको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ के मुस्लिमों को क्यों दिक्कत हो जाएगी, ऐसा माने क्यों लेते हैं? लेकिन पराग जी ऐसा कुछ इसलिए मान लेते हैं, हम बता दे रहे हैं क्यों मान लेते हैं। जैसे मोदी जी बहुत कपड़े बदलते हैं, वैसे ही ऐसा माना जाता है कि केजरीवाल साहब जानबूझ के बड़े नंबर की शर्ट लेते हैं। वो बड़े नंबर की शर्ट क्यों लेते हैं भाई? क्या बिकती नहीं? मान लीजिए उनको 40 नंबर की आती है तो वो 44 नंबर की शर्ट क्यों खरीदते हैं भाई? एक बार मेरा जैसे मैं कभी कभी बड़े कपड़े पहनता हूं, मेरे लड़का मुझसे बहुत मोटा है तो कोई उसको देता है, उसको आती नहीं तो मैं वो पहन लेता हूं, तो मेरी कभी कभी बड़ी नहीं, वो स्टाइल नहीं हो सकती है। नहीं, आप भद्दा कपड़ा पहने ये स्टाइल नहीं हो सकती है। तो वो एक कुछ चीजें जानबूझ के मफलर बांधना, ये सबको समझ में आता है, ऐसा नहीं है।